दोस्तों देखो, जब आप मेरे चैनल पे आते हो ना, तो आई होप ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें सच ही सुनने को मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। वो अलग बात है, मेरा आउटलुक पॉजिटिव रहता है हर सिनेमा को लेके। पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरी बात हुई है अभी सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल से, वहां पे अजीबोगरीब कुछ बात सुनने में आ रही है। बट उससे पहले बात हमें डेटा पे भी करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करना। क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। बात वही फॉर्मेट रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक बार अपना डेटा दे दूं, उसके बाद जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट कुछ शेयर करना है वो आपसे शेयर करता हूं। देखो यार, हिंदी 2D में फाइटर, अब जो फाइटर की पेस है एडवांस की थोड़ी बढ़ गई है। अब 5,500 टिकट्स बुक हो रही है, घंटे बुक माय शो, विच इज अ गुड सिग्नल। 2D में 2 करोड़ हुए हैं टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स। 2D में कम है, 77,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। शोज खुले 64,964 खुले हैं। ध्यान से सुनना, 3D की जो एडवांस है वो 3 करोड़, 3.08 करोड़ और 96 लाख, अराउंड 1 लाख टिकट बिक चुकी है। और जो नंबर ऑफ शोज है 6049। थर्ड आता है आईमैक्स 3D जिसका 45 लाख एडवांस है। अब बाकी सब तिगड़म लगा लो, आईमैक्स 2D, आईस, 4DX, ये मिला के अगर हम ओवरऑल बात करें तो फाइटर की जो एडवांस है वो 1,85,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, विथ टोटल एडवांस ऑफ 5.75 करोड़। ये अभी 2 मिनट पहले का डेटा है। और नंबर ऑफ शोज जिस पे मुझे बात करनी है 12,715। अब सुनना मेरी बात, मैं तुमको क्या एक बात बताने जा रहा हूं। मैंने देखो, फाइटर इतनी बड़ी मूवी, या आप फाइटर का आपने ट्रेलर देखा, आपने पूरा कंप्लीट सारे पैकेजेस देख लिए, फाइटर क्लास मूवी है, मानता हूं मल्टीप्लेक्स के लिए है। बट ऐसी मूवीज सिंगल स्क्रीन में जो धमाके होते हैं ना, जो सिंगल स्क्रीन पे गया हुआ है वो कमेंट करके बता देना, बहुत तगड़े तरीके के धमाके होते हैं। मैंने दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं, मैं बाकी किसी शहर की बात नहीं कर रहा। दिल्ली में 2 सिंगल स्क्रीन्स हैं, डिराइट सिनेमा और लिबर्टी, दोनों में फाइटर के शोज खुले रही है। मैंने कहा भाई ये चल क्या रहा है। मैंने आखिरकार उनको फोन किया और पूछा भाई मसला क्या है। फाइटर के लिए आप मानोगे नहीं, फाइटर के लिए मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा भाई सीन क्या, तुम्हारा खुल क्यों नहीं रहा। बोल रहे हैं भाई साहब अभी कुछ नहीं पता कि ये शोज फाइटर के खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। अरे मैंने कहा भाई बताओ तो सही, इतनी बड़ी मूवी। मैंने लिटरली बोला, मैं अच्छा मतलब कॉल रिकॉर्डिंग लगाना चाह रहा था, बट मैंने कहा चलो छोड़ो इतना नहीं। मैंने उनसे पूछा सीन क्या है, कह रहे भाई साहब कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से कुछ प्रॉब्लम है। तो भाई ये कन्फर्म्ड है कि फाइटर को लेके डिस्ट्रीब्यूशन शिप लेवल में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मुझे नहीं पता उनकी आस्किंग ज्यादा है या सिंगल स्क्रीन। अरे दिल्ली शहर इतने, मतलब डिलाइट इस आइकॉनिक सिनेमा हॉल इन दिल्ली लिबर्टी, इतनी जनता आती है यार, आप कहीं नहीं भरेंगे ना शो, वहां भरेंगे। ऐसी मास मूवी के आपने वहां तक शोज क्यों नहीं पहुंचाए अभी तक, मुझे समझ से, मेरे समझ से परे है। वहीं पे सबसे पहले हाउसफुल होता है। तो अगर फाइटर की मैं एडवांस की बात करूं, अगर ये सारे फैक्टर्स, 12,000 शोज है, मैं अभी भी कह रहा हूं इनको 15,000 आज रात तक पहुंचने पड़ेंगे शोज, 7-8 बजे तक। उसने मुझे बोला है कि आप 8 बजे एक बार कंफर्म कर लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, प्रेफरेंस मेरी वही रहती है, बट स्टिल अगर नहीं मिलेगा कहीं और देखेंगे। मुद्दे की बात यह है, फाइटर मुझे 7 करोड़ पे सेफ रख के चल रहा हूं एडवांस, और 8 करोड़ तक जा सकती है अगर रात को गर्मी पकड़ गई। पहला दिन हवाबाजी नहीं करेंगे, सुनने में बुरी लगे अच्छी लगे, 15 से 20 करोड़ पहला दिन पकड़ेंगे। अभी जो बातें चल रही है 25 की 30 की, उन जिनको लग रहा है ठीक भाई, अगर कल मुझे लगेगा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है, पिक्चर के रिव्यूज तगड़े आउट हुए हैं, तो मैं भी ये बात कहूंगा। बट मुझे अभी प्रैक्टिकली मुझे नहीं लग रहा है 15 से 20। बट स्टिल फॉर ऋतिक रोशन आई विल सपोर्ट दिस मूवी, आई विल वॉच इट फॉर यू गाइस, और बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगा आपको। अगर आपको देखना है तो देख लेना। मैं इस मूवी का अभी भी हैरान हूं कि पता नहीं इस मूवी के साथ क्या, मतलब क्या हुआ है कि ये मूवी का एडवांस वो पकड़ नहीं पाया जो इस मूवी का पोटेंशियल है। यार कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, कितना बड़ा ग्रैंड लेवल का ट्रेलर रिसीव हुआ, बता देना यार कमेंट करके आपके व्यूज क्या हैं। टेक केयर, बाय बाय।